Hey guys, welcome to the channel Trusty Wonder. This is Tanmay. So आज Independence Day है और we have just come out for our Independence right. First of all, happy Independence Day to all of you. 75 years आज पूरा हुआ है. तो obviously जो 75 years पहले जो इंडिया था और आज 75 years बाद का जो इंडिया है उसमें बहुत फर्क है. सो टू सेलिब्रेट दिस डे वी हैव टेकन दिस राइड. लेकिन ये जो राइड है नेचुरली हम लोग सुबह शुरू करते हैं, लेकिन ये वाला राइड हमने शुरू किया दोपहर को क्योंकि स्कूल था मेरा, स्कूल में जाना मैंडेटरी था और क्वेली का भी स्कूल था. तो दोनों स्कूल गए, फिर स्कूल से डायरेक्ट एक मीटिंग पॉइंट में मीट किया एंड देन हमने अपना जर्नी शुरू किए. तो एनीवे आप ये जर्नी का आनंद लेते रहिए और डेस्टिनेशन पता नहीं कौन सा डेस्टिनेशन होगा क्या होगा, लेकिन हम लोग राइड पे निकले हैं तो कोई डेस्टिनेशन पे तो जाएंगे. लेकिन अभी दोपहर हो चुका है, बहुत भूख भी लग चुका है. सो फर्स्ट हम लोग कुछ खाना खाएंगे, देन विल डिसाइड डेस्टिनेशन एंड विल गो. सो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए ये वंडरफुल जर्नी. सो गाइज अभी हम लोग पंजाबी ढाबा में हैं. एक्चुअली डेस्टिनेशन तो आज ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं. तो जो राइड हम लोग सुबह सुबह शुरू करते हैं तो इस बार वो कर नहीं पाए. तो स्कूल ख़त्म हुआ 12:30 बजे, फिर मैं वेट किया, कोई ले आया, फिर बीच रस्ते से हम लोग ज्वाइन किया एंड देन स्टार्टेड आवर जर्नी. तो जर्नी शुरू होने के मतलब वक्त ही इतना भूख लग गया. तो अभी हम लोग पंजाबी ढाबा में बैठे हैं तो इधर पहले खाएंगे, खाने के बाद डिसाइड करेंगे कहाँ जाना. तो गाइस ये है आज का लंच, नॉर्मल राइस देन दाल, व्हाट इट इज कॉल्ड, दाल फ्राई और ये चिकन और ये कोहली रेडी. चलिए अभी खाना शुरू करते हैं, फिर आपसे मेरे क्या डिस्कशन पता नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंस राइड ऑन है तो चलिए. तो गाइस अभी हम लोग लंच खाने के बाद उधर से बिन्नागुड़ी होकर बानरहाट क्रॉस कर चुके हैं. अभी चालसा से 20 किलोमीटर दूरी है. पहले तो था कि रॉकी आइलैंड, फिर नहीं क्योंकि अभी ऑलरेडी 3 बज चुका है तो शायद मूर्ति तक ही सिर्फ जाना है. लेकिन बारिश क्योंकि हवा जो यहाँ का है वो बहुत ठंड हो चुका है, तो मतलब सामने बारिश हो रहा है या और सामने से जो भी लोग आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि रेनकोट पहन के आ रहे हैं, तो सामने शायद बारिश हो रहा है. तो फिंगर क्रॉस, चलिए ये राइड कितना लंबा देर तक हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं देखते हैं. अगर सामने ज़्यादा बारिश हो तो हम लोग लौट आएंगे. एनीवे बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए ये जर्नी. गर्मी लग रहा था, अभी वो गर्मी बहुत ही कम लग रहा है क्योंकि इतना सुंदर यहाँ का जो वेदर है. लेकिन इधर बारिश हुआ है, आप देख पा रहे रास्ता अभी भी भीगा है रास्ता. वाव, देख पा रहे आप व्यू, उस साइड में तो घना बादल है, मतलब बारिश तो होगा ही भाई, आज पूरा भीग के ही आने जाना है. अभी मतलब जब लौटेंगे तब तो पूरा नहा के ही लौटेंगे. बारिश हो रहा है, अभी तो बारिश हो रहा है. ये जगह पे मैंने कितने बार आपको रुक कर दिखाया पता है, मतलब जितने बार भी जाते ये जगह इतना सुंदर, हर बार हम लोग यहाँ पर रुकते हैं और इस जगह का जो इतना सुंदर व्यू आप देखिए, सामने वाला जो व्यू एकदम लाजवाब व्यू, एकदम सामने पानी, नदी का पानी, पीछे ग्राउंड एंड देन आफ्टर दैट सेम थिंग. चले आगे बढ़ते हैं क्योंकि मूर्ति आज ही पहुँचना है.
एंड देन हमें रिटर्न भी करना है, लेकिन ये जगह है बहुत ही खूबसूरत। चलिए लौटने के टाइम में हमेशा बोलते हैं कि लौटने के टाइम में रुकेंगे, लेकिन लौटना इतना जल्दी में करते कि रुक नहीं पाते। एनीवे तो इंडिपेंडेंस राइड हमेशा एक मज़ेदार राइड होता है और मज़ा करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल में रह के कि अभी मेरा कैमरा ऑन नहीं था, लेकिन सामने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। एक बाइक जिसमें तीनों आदमी सवार थे, शायद तीनों में एक लड़की भी थी। देखिए बिना हेलमेट का गाड़ी कैसे चल रहा है, हेलमेट भी ज़रूरी नहीं, आराम से वो लोग गाड़ी चला रहे हैं। तो यही होता है, बाइक राइड तो सभी करते हैं लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके राइड करना चाहिए। कि हम लोग अपने जो मंजिल है मूर्ति की तरफ आ चुके हैं। सिलीगुड़ी यहाँ से 70 किलोमीटर है, चालसा 8 किलोमीटर है, जलढाका 24 किलोमीटर, बातावाड़ी 8 किलोमीटर है। हम लोग तो मूर्ति जाएंगे तो लेफ्ट साइड में हम लोग टर्न लेंगे, मूर्ति 7 किलोमीटर। अगर हम लोग यहाँ पर भीड़ देखिए, पीछे पूरा भीड़ लगा रखा है। वेलकम टू वाइल्ड सेंचुअरी लाटागुड़ी 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये जो रास्ता है, ये रास्ता का हालत जैसे देखा था वैसा ही है, लेकिन है बहुत ही शानदार। मतलब लास्ट बार शायद इस जगह पे मैं फोर व्हीलर लेके आया था, तो उस समय ये जो फॉरेस्ट है और भी डीप लग रहा था, मतलब ऐसा है कि जैसे पूरा ये रास्ते में आ जा रहा था ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा अच्छा ही है। एक चीज़ मुझे आज अच्छा लगा ये देखकर कि एक भी फ्लैग मुझे नीचे गिरा हुआ नहीं मिला इस बार, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बीच में तो मुझे लग रहा था कि आज ये डेस्टिनेशन कर पाए कि ना, लेकिन एट लास्ट आ गए। अभी 3:21 मतलब 3 बजे शुरू किए थे, अच्छा बहुत जल्दी आ गए। फाइनली गाइज वी आर ऑन द ब्रिज ऑफ मूर्ति रिवर। तो आप देख पा रहे गाड़ी लेके लास्ट टाइम जब आए थे तब उधर से आए थे, तो उनका अभी आ रहे। अब भीड़ देखिए इस जगह का, तो लास्ट टाइम हम लोग जा गए थे उधर जाते राइट साइड में, तो ये साइड से हम लोग लास्ट टाइम गए थे।
पर हाँ मूर्ति में हम लोग कभी नहीं रहे क्योंकि शायद हो सकता है ज़्यादा सामने है इसलिए, लेकिन यहाँ पर भी आप आराम से, यहाँ पर जितने भी रिसोर्ट हैं सब अच्छा ही है, नदी के साइड में आराम से रह सकते हैं, बहुत सारे लोग रहते भी हैं। सो गाइस फाइनली मूर्ति जो रिवर साइड प्लेस है उस जगह पे हम लोग आ चुके हैं। एक्चुअली ये जगह इतना भीड़ भाड़ हो चुका है कि मतलब किसी ओकेशनल टाइम में यहाँ पर आना एकदम मतलब आपको मेला में आना जैसा है, तो आप ना इस जगह का लुत्फ़ उठा सकते हैं ना मतलब यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें आपको दिखाता हूँ। ये है जो ये हिस्सा अभी शायद मतलब डिटैच हो चुका है, मेन रिवर उधर है, ये है थोड़ा सा उधर से कनेक्टेड है, आपको दिखा पा रहा हूँ, धूप ज़्यादा है, सनग्लास भी नहीं लगा। तो ये पूरा रिवर बेड, पीछे पहाड़, वो मेघों के कारण बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितना है, देखिए यह है मूर्ति जो ब्रिज है और यहाँ पर भीड़ देखिए, तो ये नो एंट्री है, आप अलाउ नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं शायद तार, ये इलेक्ट्रिक वायर है तो उसके बाद अलाउ नहीं है। सामने दो हरिन दिखाई दे रहा है, डियर। ये जगह ही ऐसा है, यहाँ पर दो हरिन, एक दो फोटो दो, चलो कुछ फोटो ले लेते हैं, बहुत अच्छा ही है, शायद आपको दिखाई दे रहा है, वो रहा दो। थोड़ा सा मोबाइल कैमरे से भी वीडियो ले लेते हैं। देख पा रहे गाइस, हमारा जो इंडिपेंडेंस राइड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए ये जो सुंदर सा व्यू और एक ही साथ आपको वो सनसेट आपको थोड़ा दिखाते हैं, पता नहीं वो साइड बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में, कैमरा में इतना आ रही है, एक्चुअली कैमरा कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते इतना, यहाँ पर भी पहाड़ जो आ रहा है बहुत सुंदर। एनीवे आपको आज का ये जर्नी कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और लाइक तो बनता है यार, आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे यहाँ पे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर टिल आवर नेक्स्ट वीडियो। दिखाना है गुजरात थोड़ा सा डाउन है मैडम, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन घूमने आना और तबीयत भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डैम है, बट एनी वे नेक्स्ट जर्नी में विद फुल एनर्जी शी विल अगेन कम। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। सो बाय बाय, टेक केयर।